नमस्कार, मैं हूँ विनायक। एक नई घटना की बात करते हैं। कहते हैं कि अक्सर प्यास गले को रौंद देती है, और अगर वो प्यास शरीर की बन जाए तो पूरे परिवार को ख़त्म कर देती है। और आज की कहानी भी इसी पर आधारित है। रूपाली, रूपाली कहाँ रह गई? जल्दी करो, मुझे काम में देर हो रही है। मेरा टिफिन, जल्दी करो, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। रूपाली ना रोज लेट करवाती है, आज तो आवाज सुन के भी नहीं आ रही है। पापा, मम्मी के साथ इतने साल रहते हुए भी भूल गए मम्मी सुबह अपना मौन व्रत क्यों रखी है। मतलब आज मम्मी ने चेहरे पे लेप लगाया हुआ है, मतलब सुबह सुबह वो डायन की अम्मा बने घूम रही है। तुम बाप बेटे मेरा मजाक बना रहे हो। हमारी कहां ऐसे मजाल की तुम्हारा मजाक बनाए। चिल्ला तो ऐसे रहे हो जैसे किसी बड़ी कंपनी के बॉस बन के जा रहे हो, है तो वो एक छोटा सा कारखाना ही ना। अरे तो क्या हुआ, हमारी रोजी रोटी ना उससे चलती है, और काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन लोग तो होते हैं। अब किशोर को ही देख लो, उसने खुद का बिजनेस डाल के रखा है, जब चाहे चला जाता है, जब चाहे आ जाता है। क्योंकि उसके पास पैसे हैं जो मेरे पास नहीं है, तो किसी ना किसी के अंडर तो काम करना पड़ेगा ना। तो कितनी बार कहा है कि बाबूजी से पैसे ले लो, लेकिन तुम हो कि आदर्शवादी बने फिरते रहते हो। रूपाली, तुम जानती हो कि मैं बाबूजी से पैसे नहीं लूंगा, और वैसे भी घर की आधी जिम्मेदारी तो वही पूरी कर रहे हैं ना, आखिर मेरी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो पापा, हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। हाँ चल बेटा, वैसे भी तेरी मम्मी को मेरी बात समझ नहीं आने वाली, इसे तो क्वीन ऑफ इंग्लैंड बनना है ना। तो हाँ हाँ जाओ ना, मुझे तो एक नौकरानी बनाकर लेकर आयो घर में, कभी ये करो कभी वो करो, रूपाली ये ले आओ रूपाली वो ले आओ, बस नौकरानी बना के रख दिया घर में। नाथ कृपा करहु सब काजा, नाथ कृपा करहु सब काजा, नाथ कृपा करहु सब काजा। बाबूजी, आपकी बिना शक्कर वाली चाय। बहू, ये क्या है, चेहरे पे मिट्टी क्यों लगा रखी है? बाबूजी, ये मिट्टी नहीं है, लेप है, लेप। अरे ऐसे लेप का क्या मतलब, जो चेहरा ही बिगाड़ कर रख दे। बाबूजी, ये चेहरा बिगाड़ता नहीं है बल्कि सही करता है, आपको कुछ नहीं पता, आप अपनी चाय पीजिए और पाठ कीजिए। हेमंत चला गया? जी, वो भी चले गए, और आपका लाडला मनु भी चला गया। आज मुझसे मिले बिना चला गया, लगता है मुझसे नाराज है वो। मैं बाहर से जाकर उसके लिए वैनिला वाला चॉकलेट लेके आता हूँ, फिर मनाऊंगा अपने पोते को। आप ही ने बिगाड़ के रखा है, एक वो है जो सुनते नहीं, और एक आपका पोता है जो आपके सिवा किसी की भी नहीं सुनता। आखिर पोता किसका है? वही तो। मुंबई होती ना तो किसी हीरोइन से कम नहीं होती, आधे से ज्यादा हीरो ना मुझ पे मरते हैं। लेकिन मैं भी कहां आकर फंसी हूं इस छोटे से शहर में। पति है कि उसे काम के अलावा वासना दिखता ही नहीं है, बस किचन में जलती भुनती रहो। दादू, आप बिना देखने रहे मैं इतना इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ। हाँ इम्पोर्टेंट काम, तू दिन भर काम करेगा तो खेलेगा कब? लेकिन दादू, बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ती है, होमवर्क करना पड़ता है, ट्यूशन वर्क करना पड़ता है, इसके बावजूद बच्चे खेलेंगे कब? अरे हाँ ये तो सही है, लेकिन आजकल के टीचर ना बच्चों को बहुत काम दे देते हैं। लेकिन दादू, इन टीचरों को कौन समझाएगा कि बच्चे इतना काम करते थक जाते हैं। ला ला, मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ, आखिर दादू किस दिन काम आएगा? लेकिन नहीं दादू, अगर आपने काम किया तो टीचर जान जाएगी कि आपने होमवर्क किया और मेरे को मारेंगी। ऐसे कैसे मारेगी, मैं हूँ ना। पर थोड़ा ध्यान से दादू, थोड़ी थोड़ी गलती भी कर दीजिए, जैसे लगे कि मैंने किया है। तुमने सही कहा, अगर गलती होगी तो उन्हें शक नहीं होगा। लाओ।
ये भी ना, इनको समय की परवाह ही नहीं है। इतनी खूबसूरत बीवी मिली है लेकिन कदर ही नहीं। पता नहीं मेरे माँ बाप ने कहाँ शादी करा दी, वो भी किसके साथ। मम्मी हम मूवी देखने कब जाएंगे? अपने पापा से पूछो, उन्होंने कहा था ना टाइम से आ जाएंगे, लेकिन अब तक नहीं आया। फिर क्या हुआ, मेरे को तो वैसे मूवी देखने जाना ही नहीं था, मैं तो घर पे अपने दादू के साथ रहूंगा। एक ये है जिनको सिनेमा नहीं पसंद, और एक वो है जिनको समय की परवाह ही नहीं। मेरे सलमान की मूवी है, सलमान की, समझा? तो क्या हुआ मम्मी, वो तो बस एक हीरो है। चुप कर, वैसे भी सिनेमा का टाइम चला गया है, तू जा अपने दादू के पास बैठ, मैं चेंज करके आती हूँ। ये मनु कहाँ गया? आ गए आप, आपको समय मिल गया? ऐसा लगा कि मेरी परवाह नहीं है आपको, कारखाने की परवाह है। आप तो आज सिनेमा दिखाने वाले थे। देर होगी तो मैं क्या करूं, एक ग्लास पानी तो पिला दो मुझे, थक गया हूं। ये लो पानी, कभी बीवी की भी परवाह कर लिया करो। अरे करता तो हूँ, पूरी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, अब और क्या करूं मैं। तुमसे मांगती ही क्या हूँ मैं, थोड़ा खुद में बदलाव लाओ, मेरे साथ बाहर जाओ, मेरे साथ घूमने चलो, थोड़ा समय बिताओ मेरे साथ, इससे ज्यादा क्या मांगती हूँ मैं तुमसे? तुमसे तो वो भी नहीं होता। देखो ये सब काम जो है ना आलसियों के हैं, जो मैं नहीं हूँ। मुझे हर काम हिसाब से करना आता है और वो मैं करता हूँ। करते तो हो लेकिन महीनों हो जाते हैं और हम साथ में। अरे तुम समझती क्यों नहीं, जीवन में इससे आगे कुछ है कि नहीं। देखो दूसरे कामों में मन लगाया करो, जीवन बहुत सुखी लगेगा तुम। क्या करूं, जवानी मंडियों में दे दूं, पुजारन बन जाऊं, मंदिरों में बैठ जाऊं, किचन में पूरा दिन बैठा दूं। तुम्हें जो बनना है तुम बनो, जो करना है करो, बस मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे बस एक कप चाय बना दो प्लीज। हाँ हाँ तुम्हारे लिए नौकरानी बन जाती हूँ, खाना बनाती हूँ, बस यही करूँ मैं, और तो कुछ है ही नहीं मेरी लाइफ में। जो लिखा था ना वो मिला है, उसी से निभाओ। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। हेमंत, हेमंत। हाँ बाबूजी। बेटा तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बताइए ना बाबूजी, क्या बात? तू बहू से हमेशा लड़ता क्यों रहता है? बाबूजी आप भी मुझे ही दोष दे रहे हैं, मैं झगड़ा करता हूँ कि उसकी फरमाइशें ऐसी वैसी आती रहती हैं। देख परिवार में कलह होना सबसे बुरी बात है, सुबह भी वही, शाम को भी वही, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा बेटा। बाबूजी मैं शांति से कमा कर खाना चाहता हूँ, मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, मुझे ये तड़क भड़क पसंद नहीं है, पर रूपाली को तो आप देखते हैं ना। मुझे ज़्यादा तो नहीं पता लेकिन जितनी जिंदगी मैंने देखी है उसके हिसाब से कहता हूँ, अगर घर में ऐसे ही कलेश रहा तो सही नहीं होगा। तो आप ही बताइए बाबूजी मैं क्या करूँ, उसकी बात मानूँ तो दिन भर उसके साथ रहूँ, उसे लेकर पूरा शहर घुमाता रहूँ, फिर पैसे कहाँ से आएंगे बाबूजी? मैंने तो तुम्हें कितनी बार कहा है कि कुछ पैसे मैं अपने पेंशन से दे देता हूँ, कोई रोजगार कर ले, लेकिन तुम्हें तो ईमानदारी का कीड़ा काटे हुए। ऐसा नहीं बाबूजी, मैं अपने पैरों पे खड़ा होकर कुछ करना चाहता हूँ, वैसे भी आपने आज तक सहारा दिया है ना, अब मेरी बारी बाबूजी। ठीक है जैसा तुझे सही लगे ना वैसा कर, पर याद रख परिवार में अशांति नहीं होनी चाहिए। ठीक है बाबूजी मैं थोड़ा शांत रहने की कोशिश करूँगा, मगर रूपाली को भी तो समझना चाहिए। इस नादानी में इस परिवार को किसी की बुरी नजर न लग जाए, हे भगवान अब आपकी कृपा। हेलो जवानी के बाहर, अरे कहाँ जा रही हो? अरे सुनो तो, लगता है तुमसे सुंदर पूरे शहर में कोई नहीं है। हेलो, अरे इतनी तारीफ भगवान की करता ना तो हाथ उठा के तथास्तु बोल देते। क्या भाव पे भाव खाए जा रही हो यार, यहाँ से जा रहा है ये हाथ उठा के थप्पड़ से तथास्तु करूं। हेलो नाराज होने वाली क्या बात है? हेलो ठीक है बेरा, क्या है तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और तो आएगी। अला जब से जैसे अरे हेलो, अरे भाई
कहाँ कहाँ जा रहे हो? अरे राम सिंह, कहाँ थे पिछले 2 साल से? कहीं बड़े घर तो नहीं चले गए थे? अरे यार, बड़े घर नहीं, बड़े शहर चला गया था। ये गांव के लोग हैं ना, किसी की तरक्की से खुशी नहीं है। ये तो सही कह रहे हो। और बताओ, काम धंधा कैसा है? काम धंधा बढ़िया चल रहा था मुंबई में, तो मैंने सोचा कि चलो अब जैसे बड़े लोग ऊटी शिमला चले जाते ना, मैं अपने शहर आ गया घूमने के लिए। ये तो सही कह रहे हो, अपना घर तो भाई अपना घर होता है। हाँ, ये बात तो है। और सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? कारखाने जा रहा हूँ। कारखाने? यार तुम अभी तक कारखाने में ही काम करते हो? मतलब मैं सोच रहा था तुमने तो कोई अपना काम धंधा शुरू कर लिया होगा। हाँ, सोचा तो मैंने भी ऐसे ही था, मगर पूंजी नहीं हमारे पास। पूंजी? अरे पूंजी चाहिए तो मैं लगा देता हूँ, जब तुम्हारा मन करे दे देना। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बताओ। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस जब इंतजाम होगा तो मैं खुद ही कर लूँगा। अभी वैसे कारखाना भी ऐसा चल रहा है। चलो भैया, जैसा तुम उचित समझो, मैं निकलता हूँ। आओ कभी घर पे आराम से बैठ के बात करते हैं। पक्का पक्का पक्का। चलो चलो चलो। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। आजकल आप बहुत ज्यादा थके थके से लगते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, वो काम की वजह से थोड़ा इरिटेट हो जाता हूँ, प्लीज समझा। वही तो मैं भी कह रही हूँ कि ऐसा कब तक चलेगा, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। यही तो लाइफ के फंडे हैं रुपए। जैन कॉलोनी वाले जैन साहब को ही देखिए, कितना एंजॉय करते हैं अपने वाइफ के साथ, हर जगह जाते हैं। अरे रूपाली, पर उनका बिजनेस भी तो बड़ा है, कम से कम 15-20 नौकर हैं काम करने के लिए, टेंशन किस बात की उनको? तो आप भी कुछ कीजिए ना, कब तक ऐसे कारखाने में काम करते रहेंगे, कुछ अच्छा सोचते हैं। देखो ना, कितने हफ्ते हो गए हमें एक दूसरे के करीब आए हुए, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं किसी और की बीवी हूँ। ऐसा नहीं है रूपाली, कहना दिन भर की काम के बाद ताकत कहाँ बचती है। मेरे बारे में भी तो सोचिए। ठीक है रूपाली, सोचा, मैं भी बहुत थक गया हूँ, नींद आ रही है, ज्यादा सोचा मत करो। भाई, हेमंत भाई। अरे राम सिंह, आओ आओ बैठो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस कुछ कारखाने का काम कर रहा था। अच्छा, बताओ। बस ऐसे इधर से निकल रहा था, सोचा आप लोगों से मिल लूं, और वैसे बाबूजी से मिले भी काफी टाइम हो गया। बाबूजी तो किसी काम से बाहर गए हैं, बस आते ही होंगे। रुको मैं चाय मंगवाता हूँ। नहीं चाय नहीं है, चाय पी के ना बहुत जलन होती है। अरे तो ऐसा क्या बोलो, तो हम शरबत बनवाए देते हैं। नहीं यार, मैं घर से खा पी के निकला हूँ, ठीक है। घर से तो खा पी के सभी निकलते हैं भाई, बट कम से कम 2 बिस्किट खा के पानी तो पियोगे। ठीक है भैया, जब इतना फोर्स कर रहे हो तो मंगा लो। एक मिनट, रूपाली, रूपाली जी आई। नमस्ते। रूपाली, ये हमारे मित्र हैं राम सिंह। नमस्ते भाभी। नमस्ते। माला ये तरह है, तू इधर बैठ कर रहा है। और आप हैं हमारी धर्म पत्नी रूपाली। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपने पहचाना नहीं है मुझे? नहीं, मतलब जब आपकी शादी हुई थी तो मैं तो यहाँ था नहीं, और उसके बाद जब मैं आया फिर मुलाकात ही नहीं हुई। कोई बात नहीं, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। और बताओ राम सिंह, बाकी सब काम धंधा कैसा चल रहा है? अरे राम सिंह। नमस्ते अभी। बैठो बैठो। और कैसे हैं, तबीयत वबीयत सब ठीक है आपकी? सब बढ़िया है, बुढ़ापा आ गया है, उसी का बोझ उठाए जा रहा हूँ। अरे बाबूजी क्या बात कर रहे हैं, अभी आप 60 से 62 के नहीं लगते। तुम भी मुहावरे अच्छे बना लेते हो राम सिंह। बाबूजी 75 के पास होने वाले हैं और तुम उन्हें 60-62 साल का जवान बता रहे हो। सोचने का क्या है, जवानी है तो जवान, नहीं तो फिर बोझ लगती है। और सही बात कही आपने। वही तो मैं कह रहा था भाभी जी, अब शहर में आप जाके देखो, 50-50 साल के लोग शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, और एक यहाँ 18 साल के हुए नहीं कि खूंटे से बांध दिए।
बात तो सही है, अगर कम उम्र में शादी कर लो ना तो जीवन नरक हो जाता है। सही बात है बाबूजी, और जिंदगी हो गई है उन्हें भी निभाना सीखना ही चाहिए, और लोग सीख भी रहे हैं। अच्छा ये सब बात छोड़ो, कहाँ थे तुम 2 साल से? यहाँ तो कुछ और ही अफवाहें उड़ाई जा रही है। अरे बाबूजी, यहाँ के लोगों का क्या है, खाएंगे पिएंगे फिर एक दूसरे की चुगली करने निकल जाएंगे। हाँ, आदमी कोई भला काम करने की कोशिश करे तो देख लो फिर क्या होता सुनने के लिए। बात तो तुम सही कह रहे हो, यहाँ के लोग अपने काम से कम और दूसरों के काम से ज़्यादा मतलब रखते हैं। अरे हाँ, काम से मुझे याद आया, मैं ये कह रहा था बाबूजी इसको हेमंत को कि ये कारखाने का जो काम कर रहा है ये बंद करके कोई अपना काम धंधा शुरू कर ले, और अगर कुछ पैसे की ज़रूरत है तो वो मैं दे दूँगा। यही तो मैं भी कह कहकर थक गया हूँ, स्वाभिमानी होना ठीक है पर इतना। बाबूजी आपकी बात सही है, पर मैं अपना धंधा ना किसी कर्ज के पैसे से, किसी के दूसरे के पैसे से नहीं करना चाहता हूँ बाबूजी, मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। और वैसे भी कारखाने के पैसे मैं जोड़ रहा हूँ, और जिस दिन पैसे पूरे हो जाएंगे मैं अपना काम शुरू कर दूँगा। हाँ सही बात है, और क्या। अच्छा मैं चलता हूँ बाबू। ठीक है, आते रहना, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, फिर मिलता हूँ। क्या आज तो मोती सच समझ के आई हो। अरे चेस चेस दादा, जैसे ही हमको पता चला कि आप आ गए हैं, हम पहली फ्लाइट पकड़ के सीधे आपके चरणों में आ गिरे हैं। फ्लाइट पकड़ गए, कहाँ चले गए थे, दिल्ली विल्ली? अरे नहीं दादा, पैदल पैदल आए हैं। अच्छा किया तू आ गया, तो बड़ी घुटन सी महसूस हो रही थी मुझे, अब चिलम विलम का इंतजाम हो जाएगा ना। अरे दादा आप बोलो तो एक सेकंड में सारी व्यवस्था कर देते हैं। तो कर व्यवस्था ठीक है, एक ऐसी मछली दिखाई दी है कि अगर वो नहीं फंसी ना तो मेरा जाल फेंकने पे कर हो जाएगा। मछली मतलब बस, तो साले 2 साल मेरे से दूर रहा तो सब भूल गया। अरे दादा समझ गए दद्दा, माँ की कसम जब से आप गए ना लंगोट पहन कर घूम रहे हम 2 साल से। तेरा जो लंगोट है ना मैं ढीला कर दूंगा। अरे दद्दा ठीक है, लेकिन मेरा बस अब एक ही मकसद है, जो कम से कम कलियस का ऐसा भोरा भोरा। दद्दा धीरे बोलिए, त्योहारों की भी कान होते हैं, आप हमें इशारों में समझाइए और हम इशारों में समझ लेंगे। बहुत समझदार हो गया बेटा तू, सब आपका आशीर्वाद है। चल अब जा, चलम लेके फटाफट जा दद्दा, बस इसको पैक कर दो। बात कितनी पिएगा, निकल यहाँ से। एक मिनट में आया दादा। कुछ लोग सीधे होते हैं और कुछ लोग टेढ़े, और जो टेढ़ा इंसान होता है अगर उसके ऊपर कोई और टेढ़ा इंसान आ जाए तो उनके लाइफ में हो जाती है हलचल। और ऐसे ही कुछ हलचल आने वाली थी रूपाली और हेमंत के लाइफ में, और वो हलचल देने वाला था राम सिंह। जो एक पति पत्नी करते हैं। पर हर वक्त ये सब अच्छा नहीं है। हर वक्त कहाँ, कितने दिन हो गए हमें करीब आए हुए, हर वक्त तुम्हारा मूड बिगड़ा रहता है, मुझे तो तुम पे शक होने लगा है। क्यों, जब मनु पैदा हुआ था तो तब शक नहीं हुआ था? तब तुम उससे कितना प्यार करते थे, और अब देखो कितने दूर दूर से रहते हो, जैसे लगता है सन्यासी बन गए हो। अभी तो हमारे जवानी के दिन शुरू हुए हैं। तो इस लाइफ में अब जिम्मेदारियां भी तो आ गई हैं। ऐसा लगता है जमाने की जिम्मेदारियां तुम्हारे सर पे आ गई हैं। बाबूजी ने मेरी शादी कम उम्र में करा दी थी, बोले माँ की इच्छा है, माँ तो अपनी इच्छा पूरी करके चली गई। तो क्या मैं और मनु तुम्हारे लिए बोझ बन गए हैं? अरे ऐसा नहीं है रूपाली। ऐसा नहीं है तो क्या, शादी तो मैं भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने भी शादी की ना, मैं भी जिम्मेदारियों को निभा रही हूँ ना। आज मैं अगर तुमसे शादी नहीं करती तो मैं किसी बड़े मूवी में तो नहीं लेकिन टीवी की हीरोइन जरूर होती। हंसे क्यों? अरे कुछ नहीं, ठीक है सब ठीक है, तुम सो जा, मुझे कल जल्दी जाना है, मैं थक गया हूँ।
जय जय सियाराम, जय जय सियाराम, जय जय सियाराम। हिमंत भाई, अरे राम, कैसे हो? कैसे आना हुआ? बैठो बैठो। बढ़िया बाबूजी, ये कि मतलब क्या क्या है, क्या चल रहा है? ये रामायण का पाठ चल रहा है, इसी बहाने अध्यात्म से जुड़ने का मौका मिल जाता है। सही है, सही है, सही है। अरे बहू, चाय लेते आना। बाबूजी इसकी क्या जरूरत थी, मैं तो बस ऐसी हेमंत से मिलने आया था। आजकल हेमंत सवेरे सवेरे निकल जाता है। अच्छा, नमस्ते भाभी जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, चाय बहुत अच्छी बना दी भाभी जी आप। गया आज बहुत जल्दी, स्कूल में छुट्टी हो गई। मैडम जी ने बोला जल्दी जाओ तो जल्दी आ गया। अंकल को अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। अरे बड़ा प्यारा बच्चा है, किसका है? अपने हेमंत का। और किसका? ओ मतलब इतने साल हो गए हेमंत भाई की शादी को, पता ही नहीं चला बाबूजी। हाँ, बखत बीतते समय कहाँ लगता है। हाँ बाबूजी, मैं चलता हूँ, हेमंत भाई से आकर मिल लूंगा जब आएंगे तो। अरे सुनो, तुम्हारे नज़र में कोई अच्छा टीचर है क्या? अपने मानू को पढ़ाना है ना, कोई अच्छा टीचर हो तो बताओ। बाबूजी, हमारे समय पे एक ही कड़क मास्टर हुआ करता था, वो थे आप। अब आप बताइए कि आपसे अच्छा टीचर कोई हो सकता है? अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, और अब दादा क्या अपने पोते को पढ़ाएगा, इसीलिए तो ये बदमाश हो गया है। बस एक अच्छा सा मास्टर मिल जाता है इसे। कोई नहीं भाभी जी, मैं हूँ ना, मतलब मैं आ जाया करूँगा और इसको मानू को पढ़ा दिया करूँगा। क्यों भाई मानू, पढ़ेगा ना मुझसे? पक्का ना? बस तो मिल गया आपको टीचर। ठीक है भाभी जी, तो मैं अब चलता हूँ। नमस्ते भाभी। भैया जी, आज आप बड़े मूड में नजर आ रहे हैं, कोई खजाना मिल गया क्या आपको? खजाने ही समझ ले। तो दद्दा हमारे भी हाथ थोड़ा गर्म कर देते, इन सब में ना बहुत खर्चा हो रहा है दद्दा। क्यों टेंशन ले रहा है, ये वो खजाना नहीं है, लेकिन साला खजाने से भी कम नहीं है। और रही बात तेरी ये दारू और चिलम की, इसका भी इंतजाम हो जाएगा, थोड़ा सा सब्र कर ले। अरे दद्दा, हम समझ गए कि आपको ना वो वाला माल मिला है। ठीक है ना, हम सही कह रहे हैं ना? मीठी सुपारी? हाँ मीठी सुपारी। तुम कभी गलत बोले हो? साली एक दिक्कत आ रही है। अरे दद्दा कौन सी दिक्कत आ रही है, हैं? आप कहे तो अभी जाके 3-5 कर दूं उसका मैं, हैं? खटिया खड़ी कर दूंगा मैं उसकी। मूर्खों वाली बातें मत करो, उसके लिए हमारे हाथ बंधे हुए हैं क्या? पढ़ाई के लिए हम ही भरती है साला, अपने लिए काला अक्षर भैंस बराबर, कुछ मिला मिला की किताब बता पढ़ ली होती तो बात बन जाती। अरे तो भैया कौन कह रहा है आपको पढ़ने के लिए, हैं? और वैसे भी क्या ये आपकी पढ़ाई करने की उम्र है? अरे भाई तो मतलब जब पढ़ने की उम्र थी तब किताब की शक्ल तक नहीं देखी, कट्टा चलाया, और अब देखो क्या बात है, उसी किताब की बदौलत मौज मिलने वाली। तो दद्दा क्या कोई मास्टर नहीं फंसे क्या? मास्टर नहीं फंसे हैं यार, एक अम्मा को पाने के लिए एक बेटे को पढ़ाने के लिए हम ही बोलती है। अरे दद्दा, तब तो आपने बहुत बड़ी समस्या मोल ले ली है, हैं? अब थोड़ा बहुत गीता रामायण महाभारत मस्त राम पढ़ा होता तो आपका काम चल जाता। आपने ना सीधे हिंदी अंग्रेजी गणित इतिहास पर धावा बोला है, अब तो आप भूल ही जाओ दद्दा। ऐसे कैसे भूल जाए? हाँ भाई, गाड़ी स्टेशन पे खड़ी है, पूरा सिग्नल दे, और अगर ऐसे में हमने कुछ नहीं किया ना हमसे बड़ा मूर्ख। तब तो दद्दा आप एक ही काम करो, आपने एक मास्टर रखो, पहले आप उससे पढ़ो, उससे पढ़ के फिर आप उस बच्चे को पढ़ाओ। मैं पढ़ लिख करके कलेक्टर बन रहा है? थोड़ी सी रात भी रात मेहनत करूंगा तो उस लड़के को तो पढ़ाई दूंगा। अरे दद्दा किसको पढ़ा रहे हो आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा। गणेश अपने हेमंत भाई है ना, आप मन्नू की बात कर रहे हो क्या? अरे आपने तो सीधे रमा भाभी पे डाका डाल दिया। आपकी बहन बना दिया था मैं, सब समझता हूँ मैं आपके बारे में। तू बेटा दिखने में लगता है क्या मूर्ख,
पर तू है दूर। चल अब एक काम कर, निकल और वो क्या नाम है उसका लड़के का मन्नू, उसके क्लास की किताबें लेके आ, पूरी रात पढ़ूंगा तो साले को कुछ तो पढ़ाई दूंगा मैं, जा लेके आ। ठीक है था। चल निकल फटाफट, जल्दी निकल। निकल यार बजा। बाली जल की रानी है, जीवन उसका राम सिंह है, हाथ लगाओ मचल जाएगी और बाहर निकालो माल देगी, क्या बात है। चलो अंकल, 15 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना होता है? 25 मारे थे हवलदार ने और 15 मारे थे दरोगा ने, 35 ले लो, 35। अंकल 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है? वही जितना हिस्सा होना चाहिए। मतलब 12। आपको तो सब आता है। सब आप ही की दे रहे हैं। अरे क्या हुआ, क्या हुआ साहब? साहब मैंने कुछ नहीं किया। ओए 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 ओए, मेरे तू जेल में नहीं है, मेरे घर में है। साले मेरे यहाँ सर फटा जा रहा पढ़ पढ़ के और तू यहाँ। अरे तेरी, अरे तो मैं क्या करूँ भैया, आप मेहनत कर रहे हो तो फल भी तो आपको मिलेगा ना। अच्छा बेटा, तू मुझे ताने मार रहा है? अरे भैया, हमारी औकात है आपको ताने मारने की? आप भी ना कुछ भी बोल देते हैं। अम्मा बोल बोल के चली गई, पढ़ ले राम सिंह, पढ़ ले, पर भैया ना पढ़ा राम सिंह, कट्टा चला रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, मुझे नहीं आ रहा समझ में क्या करूँगा। दादा थोड़ी सी मेहनत कर लो है, और ये मत सोचो कि आप मेहनत कर रहे हो, ये सोचो कि जब आप मेहनत करोगे तो आपको कितना अच्छा फल मिलेगा और फिर उसका परिणाम कितना अच्छा होगा। अरे वाह मेरे लाल, क्या बात है दादा। साले पूरे दिन में एक बात तो सही बोल रहा था। रहीम ने प्रेम गली को सांकरी क्यों कहा? -6 -2 -2 के साथ थोड़ा सा पानी मिल जाता तो? पानी मिलेगा ना, आपके लिए तो पूरी जवानी हाजिर है। अच्छा क्या हुआ मम्मी? मम्मी पूछ रही है कि मानू कैसा पढ़ रहा है? आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते, इतना तो स्कूल में भी नहीं पढ़ाते। ध्यान से पढ़ो अंकल, तुम ही तो पढ़ाने आते हैं।
ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी चीज हासिल कर ली मैंने। तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। कहाँ थी तुम इतने सालों तक? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम ही इतनी देर से आए। पहले पता होता तो हेमंत की जगह तुमसे शादी कर लेती। सब किस्मत का खेल है। चलो कोई नहीं, अब हम दोनों मिल गए एक दूसरे की प्यास बुझाने के लिए। हेमंत आते होंगे। तो फिर कल का क्या प्रोग्राम है? कल भी, पर क्यों? खाना रोज खाते हैं, पानी रोज पीते हैं, तो ये सब क्यों नहीं? बनाएंगे कैसे? कोई बहाना बना लो अच्छा सा। मेरा घर कब काम आ गया? आ जाओ। ठीक। इंसान अपने हवस और अपने वासना के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इंसान अपने रिश्तों को और अपने आसपास के रिश्तों को भी भूल जाता है। और सही कुछ रूपाली भी कर बैठी थी। इच्छाएं किसके मन में नहीं होती है, पर अपने इच्छाओं को कंट्रोल कर कर ही लोग अपने परिवार और समाज में जीते हैं। मैं ये नहीं कहता कि घुटघुट कर जीना चाहिए, पर इस तरीके का गलत कदम उठाना भी तो सही नहीं, क्योंकि गलत काम का अंजाम गलत ही होता है। क्या हुआ रूपाली और राम सिंह के संबंधों का? क्या ये उसे अपने परिवार से छुपा पाएगी? आइए देखते हैं। अरे भौजी, भौजी, अरे भौजी, कहाँ चल दी सुबह बिल्कुल बंठन के? नमस्ते छोटम भैया। नमस्ते। कैसे हैं? अरे एकदम बढ़िया। कहाँ जा रही है सुबह सुबह? बस ऐसे ही काम से निकली थी। पर राम सिंह भैया तो बोले हैं कि आपको उनके घर लेके आना है, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। राम सिंह भेजे हैं? हाँ, मैं भी वही जा रही थी। तो चलिए फिर। चलिए चलिए चलिए। रूपाली, रूपाली बेटा, मम्मी कहाँ है? मम्मी तो बाहर गई है। अच्छा, आजकल वो रोज बाहर चले जाती है, कहाँ गई है? पता नहीं, बोल के गई थी कि शाम तक आ जाऊंगी। अच्छा, हो सकता है कि किसी के यहाँ पार्टी में गई हो। हाँ भाई, एलिफेंट की स्पेलिंग यही है ना, ELAPHAANTE, लेकिन टीचर तो बोलती है स्पेलिंग गलत है। नहीं बेटा, ये तो गलत है। किसने बताया तुम्हें? वही अंकल जो मेरे को शाम को पढ़ाने आते हैं। अच्छा, राम सिंह ने? हो सकता है उसने ध्यान नहीं दिया। इसमें तो बहुत सारी मिस्टेक्स है। तो बेटा, आप ठीक से पढ़ नहीं रहे हो। नहीं, मैं तो ठीक से पढ़ रहा हूँ। वो जो अंकल मेरे को सिखाते वही मैं पढ़ता हूँ। इसका मतलब कि राम सिंह सब गलत पढ़ा रहा है। कारखाने में लोग सही कह रहे थे, राम सिंह ठीक आदमी नहीं है, उसे कुछ भी नहीं आता, बस एक क्रिमिनल है। क्या हुआ? कुछ नहीं बाबूजी, राम सिंह इसे ठीक से पढ़ा नहीं रहा है। देखिए, सारी मिस्टेक्स हैं। शिकायत मुझे भी मिली है मनु के टीचर से। मनु घर से ठीक से पढ़ के नहीं आता है। बाबू जी, हम राम सिंह को ना मना कर देते हैं। वैसे मुझे बहुत सी शिकायत मिली कि वो ठीक आदमी नहीं है। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो जाएगी। तुम्हें छोड़ने का मन नहीं करता। दिल तो मेरा भी नहीं करता तुम्हें छोड़ के जाने का। ऐसा लगता है कि जेल में जा रही हूँ। अगर मानू नहीं होता ना, तो हेमंत को कब का छोड़ दिया होता। एक काम करते हैं, मानू को साथ में लेते हैं और तुम और मैं कहीं निकल जाते। काश तुम मानू के बाप होते। क्यों नहीं हो गया? तुम एक बार हाँ बोले, मैं बन जाऊँगा। सच? हाँ। मुंबई जाने के लिए थोड़ा सा पैसे का मामला है, वहाँ पर जाके काम सेट हो जाएगा और तुम हीरोइन बन जाना। अरे पैसों का थोड़ा सा लोचा जो ऐसा फंस रहा है ना। एक जैसे से पैसों का इंतजाम हो सकता है। कहाँ से? बाबूजी के पास पेंशन का फंड जमा है और घर में ही कहीं रखा है। अगर वो मिल गया ना, तो अपना काम हो जाएगा।
बाबूजी पैसे देंगे? बाबूजी से पैसे कैसे निकलवाने हैं ये मुझे अच्छे से आता है। हाँ उसके चक्कर में पड़े हैं दद्दा, उसकी जवानी ढल रही है, छोड़ दीजिए उसे। छोड़ दीजिए उसे, पागल हो गया भाई? उसे छोड़ दिया ना तो शंभुनाथ का पैसा भी चला गया। भैया कभी कभी ना हमको लगता है कि आपका जो दिमाग है ना काम नहीं कर रहा सही से। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा? कहाँ बोल रहा? अरे आप सुनिए, कहाँ इधर करिए, कहाँ इधर करिए बोल। तो आज छुट्टी, आज खेलते हैं, इसको पकड़ो। प्रणाम बाबूजी। राम सिंह, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलिए। आज तक तुमने जो मेरे पोते को पढ़ाया वो सब गलत में पढ़ाया, ऐसा क्यों किया तुमने? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मतलब एक बच्चे के भविष्य के साथ आज तक खिलवाड़ कर रहे थे? ये लो पैसे, और इस घर में आकर पढ़ाने की जरूरत नहीं है, और आगे से इस घर में मत आना तुम। ठीक ठीक मैं कह रहा हूँ ना बाबू जी, पकड़िए, बैठ बैठे 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 बैठ। क्या लगा आपको? ये 500 रुपये नहीं चाहिए, तिजोरी में जो पैसे रखे ना वो ले। क्या कह रहे हो? मेरे पास कोई पैसे नहीं। ज्यादा शाना बनेगा ना मेरे सामने, छत्तर पकड़ सकते, ज्यादा शाना बनेगा ना मेरे सामने। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो से, ये गलत है। मेरी बीवी बनने का नाटक करती है, उससे मुझे जितने मजे लेने थे ना मैं ले चुका। तूने बताया था ना मुझे कुत्ते के पास पैसे, चल पैसे निकल निकलवा से। प्यार से देगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो तुझे मार के सारे पैसे ले लूंगा। क्या बाबूजी, हाँ पैसे के लिए बच्चे की जान लोगे क्या? हाँ दोनों पैसे। मेरी बात मानो, मैं कह रहा हूँ ना इस वक्त मेरे पास कोई पैसे नहीं है। पैसा नहीं मांगेगा? नहीं है तेरे पास पैसे? साले तेरी छाती फाड़ गए सारे पैसे बाहर निकाल लूंगा। इंस्पेक्टर साहब ये देखिए, मैंने जो आपको कंप्लेन की थी ना, ये राम सिंह वैसा ही निकला। जेल की हवा खाने के बाद भी तू नहीं सुन रहा, और तू इसके साथ मिलकर क्राइम को अंजाम दे रहा है। बाबू जी अब ठीक तो है ना? मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं राम सिंह के साथ बहक कर घर के सारे राज बता दिए, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। गलतियां सभी से होती है, लेकिन जो सुधर जाए वही समझदार होता है। शक तो मुझे पहले से ही था कि तुम इस मकार के झूठे प्यार में आके मुझे छोड़ दोगे, बस मैं सही मौके की तलाश में था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी भी अपराधी हूँ। कोई बात नहीं, जो हुआ सब भूल जाओ। सभी कहानियों का अंत सुखद नहीं होता, क्योंकि राम सिंह जैसे लोग इस दुनिया में भरे पड़े जो मौका देकर अपने परिवार की इज्जत और धन से खिलवाड़ करते हैं। इसमें खुद को बचाना समझदारी है, जैसे कि हेमंत ने किया और अपने परिवार को बचाया। चलिए आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।